अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ हो रहा है शारजा कॉर्निश में जाने का, और वहाँ पे हम जाके आज देखेंगे लाइव जो है वो रोज़ा की जो ओपनिंग होती है कैनन के साथ, कैनन के फायर के साथ, तो वो हम लाइव देखेंगे। और मैं उसकी आप लोगों के लिए बना रही हूँ वीडियो और आप लोगों को दिखाऊंगी कि शारजा मजाज एरिया में कैसे जो है रमज़ान में जो इफ्तार होता है उसको कैसे ओपन किया जाता है, खोला जाता है। और बहुत ही खूबसूरत ये मंज़र है, बहुत ही खूबसूरत सारा व्यू लग रहा है। आप लोगों को दिख के ही अच्छा लग रहा होगा कि यहाँ देखें कितना खूबसूरत जो सनसेट हो रहा है और यहाँ पे कितने लोग जमा हुए हैं सिर्फ इस एक मंज़र को देखने के लिए, एक व्यू को देखने के लिए जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल है। काफ़ी अरसे से यहाँ यूएई में, दुबई में, शारजा में या फिर और जो इसके रीजन्स हैं उसमें इसी तरह अफ्तार को ओपन किया जाता है। इसी तरह जब रोज़ा खुलता है तो कैनन से वो ओपन करते हैं और इनका बड़ा ट्रेडिशनल सा अंदाज़ है। और मैंने काफ़ी अरसे से, मैं यहाँ दुबई में हूँ लेकिन मैं भी फ़र्स्ट टाइम जो है यहाँ पे ये देख रही हूँ, क्योंकि अक्सर घर से इसीलिए नहीं निकला जाता कि उस टाइम इफ्तार होता है। आज फिर स्पेशल हम किसी चीज़ के लिए निकले हुए थे ऑलरेडी बाहर, तो सोचा कि चलो आज ये भी देख लेते हैं। कई सालों से यहाँ से हो रही है, यहाँ भी होता है शारजा में और दुबई में भी करते हैं, और काफ़ी कई सालों से ये रवाज इनका चला आ रहा है। हमेशा से पुलिस वाले जो होते हैं, ये वाले जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, यही ओपन करते हैं। जो दुबई पुलिस होती है ये ओपन करती है सब लोगों के इफ्तार का। पहले सब में इफ्तार बांटा जाता है, बॉक्स देते हैं। आप लोगों को भी थोड़ी देर बाद वो भी दिखाऊंगी कि कौन से बॉक्स ये देते हैं। बहुत ही अच्छा इनका ये तरीक़ाकार है और इनका बड़ा सहाबत वाला तरीक़ाकार पूरी दुनिया में फेमस है। ये देखें यहाँ पे लाइव जा रहा है और यहाँ पे हो रही है उनकी ट्रांसमिशन, जो वीडियो बन रही है एवरी डे। ये शारजा चैनल जो आता है टीवी में उसमें ये लाइव दिखाया जाता है और हम आज इसको लाइव देख रहे हैं। और यकीन माने इसको जाके वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लगता है, और ये शाम का मंज़र ख़ास तौर पर बहुत खूबसूरत लगता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इस तरह के बॉक्स देते हैं। और इसके अलावा भी खैर देते हैं बिरयानी वगैरह के, या इसमें पानी वगैरह होता है। हम थोड़ा लेट गए थे इसलिए उन्होंने ये हमें दिया, और इसमें खजूर है, जूस है, पानी है एक बोतल। और देखिए आप लोग, अभी आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। और रोड्स के ऊपर भी इनका ये भी एक अच्छी बात है, दुबई वालों की, दुबई पुलिस की एक अच्छी बात है कि रोड्स के ऊपर जितने भी लोग सिग्नल के ऊपर वेट में होते हैं उनको ये बॉक्स देते हैं वो, ताकि वो गाड़ी के अंदर ही इफ्तार कर लें। यहाँ पे अभी थोड़ी देर तक होने लगा है इफ्तार का, जो कैनन से ओपनिंग करते हैं उसकी, वो आप लोगों को इसकी आवाज़ आएगी। और बहुत ही अच्छा लगा था ये देख के, अभी जो लाइव ट्रांसमिशन में वो दिखा रहे हैं। और वो ये देखिए, ये हम अक्सर टीवी में इसे देखते हैं और आज हम इसको लाइव देख रहे थे। यहाँ हो गई है, देखिए आपको आवाज़ आई होगी इस तरह। और अभी सारे लोग यहाँ से चले जाएंगे, और कैनन के साथ काफ़ी ज़्यादा लोग जाके वीडियोस वगैरह भी बनवा रहे थे, बच्चे ख़ास तौर पे, क्योंकि उन्हें बहुत शौक़ था। हमने थोड़ी ही यहाँ पे
हल्की फुल्की खजूर वगैरह खाई और उसके बाद हम थोड़ा बहुत यहाँ पे शारजा कॉर्निश मजाज एरिया में मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ेंगे, थोड़ा घूमेंगे और फिर उसके बाद हम खाना खाने के लिए जाएंगे। आज हमने खानी है मटन मंदी, चिकन मंदी और जो भी वहाँ का मेन्यू होगा वो आप लोगों को दिखाऊंगी कि वहाँ में मैंने क्या क्या खाया या मेरे फैमिली ने क्या क्या खाया, वो भी आप लोगों को व्यू करवाती हूँ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। ये खूबसूरत सा एरिया है, खूबसूरत सी यहाँ मस्जिद है, नमाज के बाद ये बाहर वाला एरिया है उसका। और यहाँ की ये मॉस्क बहुत खूबसूरत है ख़ास तौर पर शारजा की, तो ये उसका व्यू दिखाना तो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, ताकि आप लोग भी देखें कि यहाँ पे हम कितनी खूबसूरत जगह पे रहते हैं। और ये मेरी सिस्टर जो है वो जा रही हैं और उन्हें मस्जिद की तरफ जा रही हैं और ये नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही हैं और साथ में मैं उनकी थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ ताकि ये लाइफ टाइम मेरे लिए एक खूबसूरत मेमोरी रहे। ये देखें काफ़ी ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ के यहाँ से अपने अपने घरों की तरफ भी जा रहे हैं और वापस आके यहाँ ही बैठे हुए वो डिनर कर रहे हैं अपनी अपनी फैमिली के साथ। हम जा रहे हैं जो एक मंदी वाली बहुत फेमस जो शॉप है, मेरा बेटा उधर लेके जा रहा है मुझे और वो दिखाती हूँ आप लोगों को, उसका पूरा खाना आप लोगों को दिखाती हूँ। और भी उनके पास बहुत सारे मेन्यू की चीज़ें हैं लेकिन हम जो चीज़ें मंगवाएँगे आप लोगों को दिखाती हूँ। मदफून उल हेमा है शॉप का नाम और रेस्टोरेंट का नाम और काफ़ी अच्छा उन्होंने अंदर से बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छी उनकी सर्विंग है। मैं तो रिकमेंड करूँगी आप लोग जाएं वहाँ पे, शारजा एरिया में है, मजाज के पास ही है ये। और वैसे भी आप अगर जाना चाहें तो गूगल पे लोकेशन लगा के आप जा सकते हैं, बहुत फेमस है। यहाँ इतना ज़्यादा रश था कि हमें फ़र्स्ट फ्लोर पर जाके इसकी जगह मिली बैठने के लिए। और ये उन्होंने एक चटनी सी सर्व की है साथ में जो मंदी के साथ मिलती है, ये वाला सूप उन्होंने वैसे और जो मटन का जो सूप होता है वो दिया है। और ये आ गया है हमारा खाना, ये सैलड उन्होंने दी है, लेमन है साथ और बहुत ही टेस्टी खाना लग रहा है, आप लोग भी देखें और इन्जॉय करें। और जो जो शारजा में रहता है मैं कहती हूँ एक बार ज़रूर जाएं और ये खाएं। मैं अक्सर बैतुल मंदी की मंदी ट्राई करती हूँ, खाती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी ये वाली मंदी है। आज की वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, मैंने आप लोगों के लिए बहुत प्यार और बहुत मेहनत से बनाई है। और ज़रूर जिस जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं और कहीं और से भी देखते हैं, यूट्यूब में जाके डायरेक्ट नहीं देखते, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि कहां कहां से व्यू हो रहा है। प्लीज़ जो भी वॉच करता है जहां से भी वॉच करता है ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करेंगे या फिर बेल आइकन को दबाएंगे तो मेरी वीडियो आप तक जब भी बनेगी वो आप तक लाजमी पहुँचेगी। और वीडियो को पूरा वॉच करके मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसी बनी है और मैं इसमें क्या क्या चेंजेस लेके आ सकती हूँ, ज़रूर बताइएगा। ये देखिए हमारा फूड कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। आज की वीडियो का इख्तिताम होता है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।